हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे, गूंद तथा ड्राई फ्रूट की पंजाबी पिन्नियाँ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही पिन्नियाँ खाना सभी लोग पसंद करते हैं। पंजाबी पिन्नी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और एनर्जी से भरपूर होती है। पिन्नियाँ बनाने के लिए हम एक भारी तले की कढ़ाई को गैस पर रखकर गर्म करेंगे। कढ़ाई में एक टेबल स्पून घी डालकर गर्म करेंगे। पंजीरी में डालने वाली गूंद मार्केट में से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। गूंद हम 50 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। गरम घी में गूंद को डालकर भूनेंगे। गूंद भूनते समय हिलाते रहेंगे। 2 मिनट में ही गूंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी। गूंद हमारी फूल चुकी है। अब गूंद को एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। यदि आप चाहें तो पिनिया बिना गूंद के भी बना सकते हैं। बाउल में हमने 1 किलो शुद्ध देसी घी लिया है। घी को कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। घी हमारा गरम हो गया है। बाउल में 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। गरम घी में थोड़ा थोड़ा आटा डालकर मिक्स करेंगे। गेहूं का आटा तथा घी को मापने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस बर्तन में आप घी लेंगे उसी बर्तन में उतना ही आटा ले सकते हैं। एक बाउल घी लिया है तो एक बाउल आटा ले लीजिए। हम बाउल में बचे हुए आटे को भी डालकर मिक्स करेंगे। मिश्रण को हिलाते रहेंगे। हमें घी में आटा कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा आटा और डाल रहे हैं। घी में आटा हमेशा उतना डालते हैं जितने आटे को घी में आसानी से हिला सकें। घी तथा आटे के मिश्रण को भूनते समय हिलाते रहेंगे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें। आटा भूनते समय ध्यान रखें कि मिश्रण को बर्तन के तले तक हिलाएं। आटे को तब तक भूनते रहें जब तक खुशबू ना आने लगे। जब आटा भून जाएगा तब खुशबू आने लगेगी। आटे का रंग बदल जाएगा। आटा घी छोड़ देगा। जितना अच्छा आटा भुना होगा पिन्नी खाने में उतनी ज़्यादा स्वाद लगेगी। पिन्नी खाने में उतनी ज़्यादा नरम होगी। यदि आटा कच्चा रह जाए तो दांतों में लगेगा, ना ही पिन्नी खाने का स्वाद आएगा। हमारा पिन्नी का मिश्रण भुनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बदल गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब हम इस मिश्रण में साबुत बादाम की गिरी
तथा कटा हुआ काजू डालकर मिक्स करेंगे। भुने हुए मिश्रण में ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से क्रंची हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट हमको अलग तलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। जब आटा अच्छी तरह से भुन जाता है तब आटा घी छोड़ देता है। देखें आटा कितनी अच्छी तरह से भुना है। घी तथा भुना हुआ आटा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हमने जो गूंद तल कर रखी हुई है उसे भी मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। पिन्नियों में डालने के लिए हमने 1 किलो बूरा चीनी का पैकेट लिया है। चीनी को हम छलनी से छानकर इस्तेमाल करेंगे। चीनी में जो डलियां बनी हुई हैं चीनी को छानकर उसे एक सार कर लेंगे तथा चीनी साफ भी हो जाएगी। इसलिए बूरा चीनी को हमेशा छानकर ही इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट को मिश्रण में पड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट क्रंची हो चुके हैं। हमारा भुना हुआ मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। अब इस मिश्रण में बूरा चीनी मिक्स करेंगे। चीनी हमने 900 ग्राम इस्तेमाल की है। 100 ग्राम चीनी कम इस्तेमाल की है। आप 1 किलो चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को मिश्रण में मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अगर मिश्रण ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो हम इस मिश्रण की पिन्नियाँ नहीं बना सकेंगे। इसलिए पिन्नी बनाने के लिए हम मिश्रण को थोड़ा सा गर्म ही रखेंगे ताकि पिन्नियाँ हम आसानी से बना सकें। अब हम इस मिश्रण को थोड़ा सा हाथ में लेकर से गोल गोल घुमाते हुए तो पिन्नी बनाएंगे। पिन्नियाँ बनाते समय गूंद इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि पिन्नियों में गूंद भी डाली है। इस प्रकार हम सभी पिन्नियाँ तैयार करेंगे। इस प्रकार हमारी सभी पिन्नियाँ बनकर खाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना और हमारे चैनल फ्रेश फूड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर दबा देना जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।